और खुद मम्मी को उठते यार मैं आने की गाड़ी ऐसे घटनाक्रम जमा से दीवार से दीवार पे पड़ा है ना ये पांव पड़ा है नीचे पटक दो केपी भैया पटक दो पटक दो पावर चला गया नीचे डाल दो नीचे कितना ऊपर भी पड़ा तो ले अरे खोपड़ी मिल गई नहीं कितना है ये टांग पड़ी टांग अब देखो नीचे पटक दो नहीं देखना पड़ा ये वहां भी है वो एक बार कार की कार की नहीं वहां कार की पर पड़ा तलवार रखी नहीं आप पकड़ इसलिए मैंने देखा मेरी आंखों से भैया लो भरने से चंदन मैं भर भर दे भर दे भर दे हिरनिया तो नहीं नहीं हम तो करते रहते हैं मैं कर दूं के बड़ी कट्टी है ना क्या रहा इसमें दिक्कत है अरे सर हिरनिया तो और तोड़ना कुछ हमारा गायों के पीले निकाल तो सर हर बार कर रोज करते हैं ये पियर पड़ा वाला एक मत छोड़ दिया थोड़ा आंधरा रहने कहाँ है पड़े तो मतलब कुछ मतलब कुछ दिन चला जाए उठा लो उठा लो कहीं भी ना जा बबलू पा सकता सब देना स्टार्टिंग में हमने देखा थोड़ा सा पुरा राजगढ़ के आशीष राठौर की तरफ से रात में 1 बजे के लगभग एक सूचना आई थी कि जम्मू माठ साहब जो पुरा राजगढ़ में रहते हैं उनके सामने एक सफ़ेद रंग की अल्टो कार MP04 पासिंग जिसमें से कि 4 लोग उतरे और इनके पास में एक थैला था एक के हाथ में और एक के हाथ में एक डबल बैरल बंदूक थी साथ में 2 लोग और थे जिनको कि आशीष पहचानता नहीं था और 2 लोगों को वो पहचानता था जो कि लोकल थे जिनके बारे में उसने बाद में बताया कि ये बबलू पार्षद है और दूसरा जफर है बाकी 2 चूँकि बाहर के थे भोपाल के थे इसलिए वो उनको पहचानता नहीं था और उसे कुछ ऐसा लगा कि इसमें कुछ मास्क जैसी दुर्गंध उसको आई तो उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी जिससे कि घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और चूँकि इस दरमियान इसकी आशीष को इन्होंने धमकाया भी आशीष ने जब उनको रोका टोका तो उन्होंने आशीष को धमकाया और गाली उतार देकर उसको भगाया इसके बाद ये अब्दुल सन ऑफ खुदाबख्श खान के घर में ये दोनों चले गए और जो 2 लोकल के लोग थे बबलू पार्षद और जफर ये दोनों वहाँ से भाग गए इसके बाद जब मौके पर पुलिस पहुँची तो चूँकि आशीष ने बताया कि इस घर के अंदर गए हुए हैं तो पुलिस उनके साथ में गई और आशीष की निशानदेही पे जो 2 भोपाल के लोग थे एक जिनमें कि है कदीर पिता अजीज़ुल्ला और दूसरे अमीर पिता अमीर इनको आशीष की निशानदेही पर वहाँ से अरेस्ट किया एक के पास से हिरण की कटी हुई मुंडी और मांस का थैला एक थैले में मतलब ये दोनों चीज़ें थी ये जब्त किया और एक के पास से डबल बैरल 315 बोरी जब्त करी इनके पास से और चूँकि ये अब्दुल अजीज़ खान के घर में थे अब्दुल पिता सनोफ के बी खान के घर में थे और उनके पास से एक चाकू जिस पर जानवर का खून लगा हुआ था वो हमने वहाँ से जब्त किया इसके साथ में ये है कि अभी 2 चूँकि हमारे इस प्रकरण में टोटल 5 आरोपी हैं जिसमें से 2 अभी फरार हैं और ये हिरण वन्यजीव अधिनियम की धारा 9/51 और 52 25/27 आर्म्स एक्ट और धारा 394/34 IPC का इनके तहत मामला पंजीबद्ध किया गया मामला विवेचना